नमस्कार बच्चों, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज अपन करेंगे। चैप्टर अपना है लीनियर रिप्रेजेंटेशन टू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन आपको गिवन है, ये दिया गया है, इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस। तो क्वेश्चन आपका ये है कि कुछ कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको फारेनहाइट में मेजर किया जाता है, उसको नापा जाता है। और भारत जैसे देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, जो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में लिया जाता है। तो अपना जो चैप्टर है वो ये है कि फारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे बदलते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो है एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। एफ से यहाँ पर फारेनहाइट और सी से लिया जाएगा सेल्सियस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यानी फॉर्मूले से आप एक टेबल बनाओगे, उस टेबल से आपको ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, अपने सी की वैल्यू अपने तरफ से ले लेंगे। तो सी की वैल्यू अपने ले रहे हैं, सी इज इक्वल टू 10। सी की वैल्यू आप इस तरह से लोगे 10, 15, 20, 25, 30, इनको 5 से डिवाइड हो जाए। फॉर्मूला में अपने वैल्यू करेंगे, जैसे अपने घर फॉर्मूला में वैल्यू लेंगे तो आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 50। जैसे आपने सी की वैल्यू मैन ली है, वैसे ही आप सेल्सियस सम ले लोगे 15। एफ इज इक्वल टू 9/5 × 15 + 32। 5 × 3 = 15, 9 × 3 = 27 प्लस 32, प्लस कर दोगे ये हो जाएगा आपका 59। फिर आप एफ की वैल्यू ले लोगे 20, सॉरी सी की वैल्यू 20। आप फॉर्मूला लेंगे 9/5 × सी की वैल्यू अपने पुट करेंगे 20 + 32, 5 × 4 = 20, 9 × 4 = 36 + 32, इसको प्लस करेंगे अपने तो ये अपना हो जाएगा 68। यानी कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर फारेनहाइट में कन्वर्ट करते 50 है, अगर वो 50 है तो वो आता आपका 59, और सेल्सियस में अगर 20 है तो फारेनहाइट में आता है 68। इसके लिए आप एक टेबल ले लो, जैसे मैंने ग्राफ क्वेश्चन आपको पहले बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका ग्राफ बना लोगे। सेल्सियस ग्राफ पेपर पर जो आपका ग्राफ है उसके अंदर एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई एक्सिस वाई वाई डैश, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों ले, ये जो बॉक्स वाली लाइनें आएंगी उसके अंदर आप यहाँ पर 1 × 10 का डिफरेंस देते हुए इस तरह से ले लेंगे, -10 -20 -30, +10 +20 +30, 40 50 60 70, ऐसे आगे ले जाओ, -10 -20 -30 -40। अब इसके लिए ग्राफ बन करोगे, एक्स एक्सिस पे आपको 10 लेना है, वाई पे 50 लेना है, इधर 10 के अपोजिट और इधर 50 के अपोजिट आप मान ले। अब ये अपना ग्राफ नॉर्मल है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे,
67। इसके लिए आप लोगों को 15 आपको कहाँ मिलेगा, 10 और 20 के बिटवीन, जो स्मॉल जो थोड़ा लाइन डार्क है इस लाइन पर लोग 15 को शो करेंगे, और 59 के बाद क्या करोगे, 50 के बाद में 9 जो स्मॉल लाइन है वो काउंट कर लोगे आप, और ये आपको 59 के अपोजिट लाइन मिल जाएगी, पॉइंट मिलेगा। फिर 20 में आप 68 के बाद में 28 पॉइंट काउंट करके लोगे, और इस तरह से आप ग्राफ को प्रो कर लोगे, तीनों पॉइंट आपके वो लाइन मिल जाएगी, इस तरह से आप ग्राफ लोगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट के बाद में जो सेकंड पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पॉइंट जो आपको है, ये कहता है द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस सेकंड। अब आपको जो टेम्परेचर दे रहा है, जो तापमान क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, फारेनहाइट में। तो कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला एफ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में सी प्लस 32। एफ 9/5 30, सी की वैल्यू चलेगी 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 प्लस कर दोगे आप, ये हो जाएगा आपका 86 डिग्री फारेनहाइट। इसके बाद में जैसे थर्ड क्वेश्चन आपका, इसका थर्ड पॉइंट, इसके अंदर जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है वो है फारेनहाइट में, दे रहा क्वेश्चन आपको 95 डिग्री फारेनहाइट, ये सेल्सियस में था, सेल्सियस को अपने फारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, और अभी आपको दे रहा है ये फारेनहाइट में टेम्परेचर, और उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे हम सेल्सियस में। तो एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, एफ इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू आपको गिवन, एफ की वैल्यू आप ले लोगे 9/5, और ये जो सी था ये सी 9 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 9c और प्लस 32, 95 को आप ये रखोगे, ये प्लस के 32 जब साइड चेंज करके एलएचएस में आएंगे लेफ्ट हैंड साइड को लाओगे, तो ये प्लस का जो 32 है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे आपको मिलेगा 63, 9c और अपॉन में जो 5 था वो इधर चला जाएगा, इसके साथ हमें आपको मल्टीप्लाई 9c, अब 9 किसके बटा में जाओगे, 63 5 अपॉन में 9 करके सी, 9 से 63 को डिवाइड करो, 9 7 63 मल्टीप्लाई 5, 35 मल्टीप्लाई करने में, और सी की वैल्यू आपको मिलेगी 35 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन के अंदर अपने दो क्वेश्चन किए, सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे और फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसके जो बाकी जो पॉइंट्स बचे हैं वो आपको अपने आप करने हैं। थैंक यू।